क्या मिलता है आजकल 150 रुपीज़ में, और इन लोगों ने इतना धांसू लूज पाउडर इन लोगों ने मार्केट में लॉन्च कर रखा है। सारे ही कलर बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and staying safe at your home. I am Mansi Malik and you are watching Ace of Face. So, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। ये है एक नायका समर सुपर सेवर डेज हॉल वीडियो, एंड आज इतना बड़ा नाम है ना इसका, तो उतने बड़े डिस्काउंट्स भी हैं, तो नाम लेने का तो बार बार मन करता है, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स और आपको बहुत अच्छी अच्छी डील्स इस सेल में से मिल गई हैं, तो मैंने भी काफ़ी कुछ चुन लिया है। ये कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स रीजनेबल है, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, जैसे किसी भी यूट्यूबर को देख के या किसी भी इंस्टाग्राम पे किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के, सब लोग यूज़ कर रहे थे उन प्रोडक्ट्स को, वो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी हैं, ये वो बहुत अच्छे हैं, तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और वो सब प्रोडक्ट्स अपने लिए परचेज किए जाएँ। तो मैंने तो वो फ़ायदा उठा लिया है, पता नहीं आप लोगों ने उठाया नहीं उठाया, बट एंड ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लुक आज मैंने इन्हीं प्रोडक्ट्स से क्रिएट किया है, तो आप लोग देख भी सकते हो ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा मेकअप है, तो जो मेकअप लुक क्रिएट हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा क्रिएट हुआ है, तो मैं इन सब के बारे में आपको वन बाय वन करके इस वीडियो में बताऊंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, एंड माई फर्स्ट टू प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम मिनिमलिस्ट, एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स आई विल शो यू। ये मैंने विटामिन सी का फेस सीरम मंगाया है, एंड ये है सनस्क्रीन लोशन विद SPF 50। तो मैंने ये सीरम और एक पिगमेंटेशन का सीरम अपनी मम्मा के लिए मंगाया था, एंड उन दोनों के ऊपर मेरे को ये तीसरा सनस्क्रीन लोशन फ्री मिल गया, तो ये बहुत अच्छा डील हो गया था मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इसको देख के। काफ़ी टाइम से चाहिए था कि मेरे को ना SPF 50 मंगाना है और मिनिमलिस्ट का ही मंगाना है। मेरे पास पहले न्यूट्रीजिना का था, वो भी काफ़ी अच्छा था, बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ना मेरी स्किन उसको लगाने से ना ज़्यादा ही सी मतलब ड्राई सी हो जाती है, और वो थोड़ा सा वाइट कास्ट भी छोड़ता है, तो मैंने सोचा वाई नॉट स्विच टू दिस अमेजिंग ब्रांड। मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स, तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप का है, एंड एज यू कैन सी इस तरीके का वाटरी फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा, तो ये ऑल स्किन टाइप है इसी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वाटरी है और बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी ऑयली और चिपचिपा बिल्कुल भी फील नहीं होगा, एंड एज सेम यूजिंग सनस्क्रीन लोशन, बिकॉज इसको भी लगाने के बाद ना आपको बिल्कुल भी ऐसे ऑयली और चिपचिपा फील नहीं होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, ये इस तरीके से इतना क्रीमी सा है, और इसको ब्लेंड करने के बाद ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने फेस के ऊपर कोई सनस्क्रीन या कुछ भी आपने अप्लाई करा है। एकदम 10 मिनट के अंदर अंदर ना ये आपके स्किन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, एंड बहुत अच्छी बात ये है कि वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है, तो आपको इसको अपने अच्छे तरीके से फेस पे, नेक पे, बैक पे, मतलब ईयर्स पे, तो आपको अच्छे तरीके से लगाना है। आप जब भी स्टेप आउट करो अपने घर से बाहर, तो आप एकदम सूरज से लड़ने के लिए तैयार हो, एंड एज यू कैन सी देखो पता भी नहीं चल रहा है कि कहीं पे लगाया हुआ है हमने कोई सनस्क्रीन, बस एक अच्छा सा ग्लो और नरिश्ड सा स्किन दिख रहा है मेरा, तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि विटामिन सी का सीरम यही नहीं है कि सिर्फ वो आपके एक्ने मार्क्स को हटा रहा है, वो आपके स्किन में ग्लो भी ऐड करता है, तो आप इसलिए भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देख सकते हो, और ये ऑल स्किन टाइप है, तो आपको ये भी नहीं सोचना कि आपको ड्राइनेस है तो फिर क्या होगा और ऑयली है तो क्या होगा, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपने स्किन केयर को लेके, क्योंकि मेरे साथ तो एकदम से ब्लंडर हो जाते हैं, एकदम से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, तो मैं इसको लेके बहुत खुश हूँ। मैं इसको 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई अभी तक ब्रेकआउट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और मैंने थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी देखा है, पता नहीं वो इसकी खुशी में देखा है कि पता नहीं क्या है, पर मेरे को थोड़ा सा फ़र्क दिखा है। सो गाइज, माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम पोन्स, एंड मैंने ना इतना ज़्यादा देख लिया था ना इस प्रोडक्ट को हर किसी के पास, इस सुपर लाइट जेल को, तो मेरे को भी चाहिए था ये कि मेरे को भी लेना है, एंड ये इतना बड़ा सा जार आपको मिलेगा। इसका पहला छोटा भाई मेरे पास था, मतलब छोटा भाई मतलब दूसरे वाला फॉर्म में ये मेरे पास था जब मैं इसको विंटर्स में यूज़ करती थी, एंड वो भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, एंड मैंने सोचा कि चलो ठीक है गर्मियों के लिए तो अलग ही चाहिए होगा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइज़र या बस नरिशमेंट वाला चाहिए होता है, बट
ऐसा नहीं कि वो हमारी स्किन को ऑयली ऑयली कर दे। तो मैंने ये वाला जेल मंगाया है एंड आप देख सकते हो बहुत ही ठंडा ठंडा मुझे फील हो रहा है इसको लगाने के बाद। और इसका ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है प्लस विटामिन ई है, तो जो आपकी स्किन को एक बड़ा अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है। तो ऐसा हो जाता है ना, कई बार हम कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं और हमारा फेस एकदम से ब्लैक ब्लैक पड़ जाता है, तो ये इसके साथ बिल्कुल नहीं होता। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई हैव दिस लैक्मे ब्लर परफेक्ट प्राइमर जो मेरे को लैक्मे की तरफ से फ्री भी मिला है एंड आप देख सकते हो इस पर टेस्टर लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास पहले भी था एंड जैसे मतलब पहले भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, पर जब ख़त्म हो गया तो मैंने दोबारा ऑर्डर नहीं करा, पता नहीं किस वजह से नहीं करा, मुझे ध्यान नहीं रहा क्या था, तो मैंने दोबारा ऑर्डर नहीं करा। पर भगवान ने इसको मेरे पास वापस से भेज दिया है। ये ऐसा सिलिकॉन बेस का है और इसका जो प्लस पॉइंट है ना, ये इसका टेक्सचर, मतलब अगर आपको पोर्स वाला स्किन है ना तो ये उसको बिल्कुल ब्लर कर देगा। ये लैक्मे का प्राइमर क्लेम करता है कि ये ब्लर प्राइमर है, ये उसी तरीके से सिलिकॉन में, मतलब इसका टेक्सचर है जो ये एकदम से आपके पोर्स में फिल होने के बाद ना ऐसा एकदम फ्लॉलेस सा एकदम स्मूथ सा कैनवास रेडी कर देता है आपके मेकअप के लिए। तो मेरे को यहाँ पे थोड़े से हैं, बट आप इसको पूरे फेस पे मत लगाओ, ज़रूरत नहीं लगती, ड्राई ड्राई सा फील होता है, बट आपके क्या बोलते हैं स्मूथ करने के लिए, ब्लर करने के लिए आपके पोर्स को ये बहुत ही सही प्राइमर है और सबसे ज़्यादा रीज़नेबल है। मतलब मेरे को तो फ्री मिला है बट वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है, आई गेस 250 या 200 रुपीज़ का होगा और इतनी बड़ी सी इसकी ट्यूब आती है, काफ़ी थोड़ा सा लगता है। तो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में भी थोड़ा ब्लर इफेक्ट आ चुका है, लाइंस वगैरह हैं हाथों में वो सब ब्लर हो गई हैं। तो ये बहुत सही काम करता है अपने नाम के लिए, तो आप इसको बिल्कुल एक ट्राई दे सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मतलब दिस प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड अगर आप एक बजट फ्रेंडली हॉल वीडियो बना रहे हो भले ही वो सेल का हो, तो उसके अंदर अगर इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट नहीं है तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी। तो मैंने ये मीडियम स्किन टोन के लिए कंसीलर पैलेट मंगाया है। इसके अंदर आपको 6 कंसीलर्स मिलेंगे विद करेक्टर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कलर करेक्टर भी इसके अंदर ही मिल रहा है एंड आपको अलग से वो नहीं लेना पड़ेगा। और ये भी ज़्यादा क्रीमी से कंसीलर है तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ऊपर से इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा डिटेल्स वगैरह लिख के दिया है, अगर कोई बिगनर इसको परचेज़ करता है ये सोचे कि बजट फ्रेंडली है बट उसको ये नहीं पता कि किस तरीके से यूज़ करना है, तो ये आपका काम बहुत ईजी करने वाला है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसके स्वाचेज़ कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, एकदम से क्रीमी और एकदम से ब्लेंड भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मैंने ऑलरेडी अपना हाथ बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है यार इनसाइड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स के ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइप है, ये बहुत ही रीजनेबल होने के साथ साथ काम के भी है। मतलब मेरे को तो अभी तक एक भी प्रोडक्ट ऐसा पंगा नहीं पड़ा है कि जो भी ख़राब निकला हो इनसाइडिक्स का। मेरे पास इसके और कंसीलर्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब 2 कंसीलर हैं मेरे पास इसके, वो बॉन्ड वाले, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। और ये पैलेट तो मैं तो इससे इम्प्रेस हो गई बहुत ज़्यादा, ये एक तरीके से मैक का ड्यूप सा नहीं लगता पता नहीं, पर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो आई ऑर्डर दीज 2 फाउंडेशन फ्रॉम लैक्मे एंड दीज आर प्राइम प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन इन द शेड वॉर्म 120। बट मेरे को ऐसा लगा कि कभी ये बहुत ज़्यादा पेल और येलो मुझे ना कर दे, तो मैंने एक सेफ साइड लेते हुए अपने लिए एक C140 कूल रोज़ करके भी एक फाउंडेशन अपने लिए परचेज़ किया, ताकि अगर मेरे को कभी ऐसा लगा कि इसने मेरे को बहुत ज़्यादा पेल कर दिया तो मैं इन दोनों को मिक्स करके एक अपना अच्छा सा ठीक सा शेड बना लूँगी। एंड आज मैंने इन दोनों को ही मिक्स करके अपना मेकअप किया है, तो मेरे को तो ये अभी भी अच्छा लग रहा है, बट मैं इसको अकेले भी यूज़ कर सकती हूँ, ये चला जाएगा मेरे फेस पे। एक चीज़ सबसे ख़राब मुझे ना इनका ये एप्लीकेटर लगा, मतलब ये क्या कितना ज़्यादा मैसी हो जाता है। आप एक पंप लगा सकते हो इसमें, पंप लगाना कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा ना मेकअप करने वाले के लिए। एक ये स्पैचुला सा लगा के दे दिया इसके अंदर, बट ठीक है चलो हम ही एडजस्ट कर लेंगे, आप लोग नहीं करोगे तो। इस तरीके का ये
थोड़ा कूल रोज वाला फाउंडेशन है। ये थोड़ा सा मेरे लिए पिंक अंडरटोन, मतलब ज़्यादा ही पिंक अंडरटोन है, बट ये मैंने सिर्फ मिक्स करने के लिए मंगाया है, ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए नहीं मंगाया। ये वार्म अंडरटोन है एकदम येल्लो येल्लो वाला, तो ये बिल्कुल सही जाएगा मेरे ना फेस के ऊपर जैसे कंसीलिंग वगैरह करने के बाद, तो मेरे को बिल्कुल डायरेक्ट भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। बट मैं प्रेफर करूँगी कि मैं मिक्स करके ही करूँ, क्योंकि मैंने जब दो मंगाई लिए हैं और फिर ये तो वेस्ट हो जाएगा ना। सी गाइस, बिल्कुल मैट फिनिश है इनका और मेरे को अप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ब्लेंड भी बड़े आराम से हो गए, तो ब्लेंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप ब्रश फुल कवरेज टाइप का मेकअप है, आप आराम से इसको बिल्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप दो तीन बार लगाओगे और ये केक हो जाएगा, नहीं, आप इसको आराम से बिल्ड कर सकते हो, एक से दो लेयर, तीन लेयर भी आप बिल्ड कर सकते हो, बट तीन लेयर तक जाना मत, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है तीन लेयर, तो आप दो लेयर इसमें आराम से बिल्ड कर सकते हो। सो गाइज, नाउ आई हैव दिस फ्लॉलेस मैट पाउडर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड आई एम इन दी शेड आइवरी आई गेस, या 12 आइवरी, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का इसका पैकेजिंग है, इस तरीके के प्लास्टिक के डिब्बे में ये आता है और काफ़ी सारा प्रोडक्ट है इसके अंदर। थोड़ा सा इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, उसको हटा के आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हो। इसका कवरेज बहुत अच्छा है, ये आपका बेकिंग करने के लिए, अंडर आइज सेट करने के लिए, अपर लिप एरिया वगैरह, लाफ लाइंस वगैरह सेट करने के लिए अच्छा पाउडर है। एंड आप इससे एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे आप कंटूर कर रहे हो और उसके बाद वो थोड़ा फैल गया, या फिर उसको शार्पन करने के लिए भी आपको आप इसको यूज़ कर सकते हो बनाना पाउडर की जगह पे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा येलो भी नहीं है और इतना ज़्यादा वाइट भी नहीं है, तो आप इसको उस काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं कर लेती हूँ तो आप भी कर सकते हो। दिस कॉस्ट मी ओनली 122 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट, तो अगर आप इसको आपको डिस्काउंट में ही मिल जाएगा, मतलब इसके ऊपर डिस्काउंट चलता ही रहता है, बट अगर नहीं भी मिलेगा तो ये थोड़ा और महंगा होगा, 140 या 150 रुपीज़ का। क्या मिलता है आजकल 150 रुपीज़ में, और इन लोगों ने इतना धांसू क्या बोलते हैं फेस लूज पाउडर इन लोगों ने मार्केट में लॉन्च कर रखा है। और मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं इतने महंगे महंगे खरीदती हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम ज़्यादा बड़े होते हैं और दर्शन छोटे और निकल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट मैंने ट्रांसल्यूसेंट पाउडर मंगाया था और यार वो इतना रद्दी है ना, इतना रद्दी है कि उसको यूज़ करने के बाद ऐसा लगता है, और वो शायद ऐसे था 1000 रुपीज़ का, और वो यूज़ करने के बाद यार मैं इतना तंग, मतलब ग्रे कलर कर देता है यार वो फेस का। बस चलो छोड़ो, ये बहुत सही है, तो आप लोग इसको परचेज कर लेना अगर आप लोगों को करना होगा तो। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइज, माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस लैक्मे एब्सोल्यूट इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट इन पिंक पैराडाइज, और इसके अंदर 12 कलर्स आपको मिलेंगे, और ये 12 के 12 कलर्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मतलब मेरा तो वैसे मेन फोकस था इस कलर को लेके, ग्रीन कलर को लेके, आई वाज लाइक कि मेरे पास इस तरीके का तो कोई पिगमेंट कोई कलर आई शेडो है ही नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगा, बट फिर मैंने देखा तो मेरे पास था, बट वो सेम ऐसा नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मंगवाते हैं, और ये मेरे को डिस्काउंट में भी मिल रहा था, 995 का ये पैलेट है और मेरे को 500 का कुछ 498 रुपीज़ का है मेरे को मिला है। सारे ही कलर बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेड्स जो हैं वो एकदम मैट हैं, और 6 शेड्स जो हैं इसके आपके क्या बोलते हैं थोड़े से शिमरी हैं, ग्लिटरी हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आप इसको आराम से अपने ऐसे बंद करो, अपने पर्स में डालो और चलो घूमने जाओ, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। और दूसरा सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इतने सारे कलर्स हैं ना, वॉर्म भी है, ब्राउन भी है, पिंक भी है और ग्रीन भी है, मतलब आप इसमें से बहुत तरीके के लुक्स क्रिएट कर सकते हो आप। और आपकी आईज़, मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मेरी आईज़ छोटी हैं, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ना लाइट शेड हो मुझे आगे लगाने के लिए, तो इसके अंदर वो भी लाइट शेड्स भी हैं लगाने के लिए, तो इट्स अ वेरी गुड पैलेट फॉर अ बिगनर, और दूसरा ट्रैवल फ्रेंडली बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ट्राई दे सकते हो। मुझे बहुत पसंद आया, आप लोगों को पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई परचेज दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर। इनसाइड कॉस्मेटिक्स वालों ने अच्छा काम कर रखा है, बहुत चुटकुसी पैकेजिंग में, बड़ी क्यूट पैकेजिंग में काफ़ी सारा प्रोडक्ट है।
आप इसको अच्छे से शेक करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत काफ़ी देर तक आपके मेकअप को टिकाए रखता है। ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी स्टिकीनेस आपको फील नहीं होगा। एकदम से जो आपका पाउडर इफेक्ट होगा ना, एकदम से सूदिंग कर लेगा। Guys, that's it for the video and I hope you all enjoyed this video because I enjoyed a lot filming this video. मेरा ये first haul video था and मैंने जो भी कुछ नायका से purchase किया था उस सब के बारे में video बना दिया। But अभी भी मेरे दो products ऐसे रहते हैं, दो नहीं चार products ऐसे रहते हैं कि मैं patience less होने की वजह से उनको इतनी दूर भेज चुकी हूँ अपने से, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं। मैंने उनको गलती से जल्दी जल्दी में अपनी कज़न के एड्रेस पे पार्सल करवा दिया, अपने कज़न का एड्रेस डाल दिया उसके अंदर, चेक भी नहीं किया कि अपना एड्रेस है कि किसका एड्रेस है। एंड वो चार प्रोडक्ट्स अभी उसके पास है, तो जब भी वो कभी आएंगे मेरे पास तो मैं आप लोगों को उसका भी एक छोटा सा क्लिप बना के, शॉर्ट वीडियो बना के, कुछ भी बना के डाल दूंगी कि हाँ ठीक है ये भी मैंने सुपर समर सेवर डे सेल से ख़रीदा था। बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ एंड If you like this video, then please like this video and do subscribe to my YouTube channel. And yeah, we'll see you in the next video. Tab tak ke liye, bye bye, take care.